अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं आपका खादम टीपू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़र हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको फ़ाइबर ग्लास के जो शेड होते हैं उसकी कुछ मालूमात दूंगा कि जब भी आपने अपने घर पे शेड लगाना है तो आपको उसकी जो है मालूमात होना ज़रूरी है। जैसा कि आजकल फ़ाइबर के शेड जो होते हैं, अमूमन जो फ़ाइबर ग्लास वाले होते हैं वो यही कहते हैं हम डबल प्लाई आपको शील्ड लगा के देंगे। तो क्या आपको पता है कि डबल प्लाई क्या होती है? वो तो किस तरह आपको पता चलेगा कि ये शीट आपको उसने डबल प्लाई लगा के दिया है कि सिंगल प्लाई लगा के दिया है? तो आए हम देखते हैं कि डबल प्लाई किसको कहते हैं। नाज़रीन, ये आप शीट देख रहे हैं, ये कपड़े वाली शीट है, ये डबल प्लाई बनी हुई है। अब डबल प्लाई किसको कहते हैं, ये देखें, ये एक प्लाई ये है, ये कपड़े के एक तरफ ये लगी हुई है और बीच में ये कपड़ा आ गया, ये कपड़ा है, इसके बाहर फिर एक शीट ये लगी हुई है, इसको कहते हैं डबल प्लाई। यानी कि ये मैट है, ये मैट होगी, एक प्लाई ये हो गई, ये देखें एक प्लाई ये हो गई। जब ये डबल प्लाई तब होगी तब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, इनके सेंटर में कपड़ा आ जाएगा, इसको कहते हैं डबल प्लाई। तो आजकल जो है ना मार्केट में ज़्यादातर लोग जो है ना सिंगल प्लाई को ही डबल प्लाई कह रहे हैं। मसलन वो जब शीट बनाते हैं उसके नीचे रेजन कोड लगाते हैं और रेजन कोड के बाद उसके ऊपर कपड़ा बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर सिर्फ एक लेयर ये लगा देते हैं, उसको वो कहते हैं डबल प्लाई। यानी एक प्लाई कपड़े की और एक प्लाई इसको जमा करके वो कहते हैं दो प्लाई, हालांकि ये जो है ये दो नंबर ही है। तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए ही बनाई है, जब भी आपने अपने घर पे शेड लगाना है तो दो प्लाई इसी को ही कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। आप शीड को इस तरह फाड़ के चेक कर सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा, ये देखें कि एक लेयर ये लगी हुई है और एक लेयर ये लगी हुई है, ये होगी डबल प्लाई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। आपका खादम टीपू सुल्तान, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह।